So this is a rounded disc-shaped structure which is reddish in color. The superior surface is shiny. Underneath the surface, multiple blood vessels are visible which are repeatedly branching. And from the superior surface, almost from the center of it, a cord-like structure appears to be arising. So this is most probably a structure of fetal surface of the normal placenta with umbilical cord attached to it. तो बच्चों, प्लेसेंटा में दो सर्फेसेस होते हैं, एक शाइनी सर्फेस जिसपे कॉर्ड अटैच्ड होती है वो फीटल सर्फेस होता है, और एक रफ सर्फेस जिसमें कॉटिलेडन्स होते हैं जो डल होता है वो मेटरनल सर्फेस होता है, ठीक है। फिर जो फीटल सर्फेस अंदर प्लेसेंटा इज कम्प्लीटली मेड अप ऑफ मल्टीपल ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, उसमें जो है वो टू सर्कुलेशंस का इंटरेक्शन है, मेटरनल और फीटल सर्कुलेशन वहाँ जाके मिल रहे हैं, वो प्लेसेंटा है। उसमें जो है वो फीटल सरफेस उसका जो है उसको बोलते हैं कोरियोनिक प्लेट, उसमें एमनियन की कवरिंग होती है इसलिए वो शाइनी होता है, ठीक है। और उससे अम्बिलिकल कॉर्ड अराइज होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड में दो अम्बिलिकल आर्टरीज और एक अम्बिलिकल वेन होती है, और अम्बिलिकल आर्टरीज इम्प्योर ब्लड कैरी करती है और अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये तो एनाटॉमी हो गई। सो आफ्टर अबाउट 5 days ऑफ फर्टिलाइजेशन द ब्लास्टोसिस्ट विच इज अ 32 to 64 सेल्ड स्टेज ऑफ द जाइगोट विल डिफरेंशिएट इन टू टू लेयर्स, वन इज ट्रोफो एक्टोडर्म एंड द अदर वन इज द इनर सेल मास। देन दिस ट्रोफो एक्टोडर्म विल the blastocell cyst will actually break open and the trophoectoderm will come in contact with the endometrium layer of the uterus and it will interact with it, start invading it, and then it will differentiate into chorion frondosum, and this chorion frondosum along with the decidua, that is the endometrial lining of the uterus which is just beneath this trophoectoderm or the chorion frondosum, it is known as decidua basalis. So both these things, they will go on to make the placenta. Functions, the easiest question: exchange of gases, hana, exchange of nutrients, metabolic waste फीटस से मेटरनल सर्कुलेशन में चला जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मदर से फीटस में चले जाएंगे, है ना, ऐसे ही ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा, फिर प्लेसेंटा हार्मोन सीक्रेट करता है, फिर प्लेसेंटा प्रोटेक्शन भी देता है फीटस को, कैसे, उसकी जो एमनियोटिक लेयर होती है एमनियन एमनियोटिक फ्लूइड सीक्रेट करता है वो उसको शॉक से और सबसे बचाता है, ठीक है ना। और फिर और कैसे प्रोटेक्शन देता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू इम्यूनिटी पास होती है मदर से फीटस में। And now about the abnormalities. So depending upon where the cord is attached onto the placenta and from where the vessels inside it start branching, there are different abnormalities. This one, as you can see, cord ka insertion center of the fetal surface of the placenta pe hona chahiye, aur insert hone ke baad mein vessels ko branch karna shuru karna chahiye. अगर कॉर्ड कभी मार्जिन पे अटैच्ड है तो उसको बैटल डोर प्लेसेंटा कहते हैं, अगर कॉर्ड मेम्ब्रेन्स पे अटैच्ड है तो उसको विलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि कॉर्ड मेम्ब्रेन्स में अटैच हुई, वहीं पे वेसल्स ब्रांचिंग रीब्रांचिंग चालू हो जाती है और फिर बाद में वो प्लेसेंटल मार्जिन तक पहुँचते हैं। तो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में मेटरनल ब्लड कहाँ है और फीटल ब्लड कहाँ है, तो जो टर्शियरी विलाय है उसमें यूटराइन साइनसिस से मेटरनल ब्लड फिल्ड अप होता है, और विलाय के अराउंड मल्टीपल कैपिलरीज हैं जिनमें फीटल ओरिजिन का ब्लड होता है, वो कैपिलरीज विलाय के मेटरनल ब्लड से ऑक्सीजनेट होके फिर यूनाइट होके अम्बिलिकल वेन बनाती हैं, और फिर अम्बिलिकल वेन जो है वो जाके हार्ट में पहुँच जाती है। अच्छा, और अम्बिलिकल आर्टरीज जो दो होती हैं उनका क्या रोल है, तो जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं वो पूरी फीटस से इम्प्योर ब्लड लेके आ रहे हैं, और फीटस फीटल सर्कुलेशन में 3 शंट्स होते हैं, यू नो,
और उन तीनों शंट्स का पर्पस ये होता है कि कुछ ऑर्गन्स को बाईपास करना है। दो शंट्स लंग्स को बाईपास करते हैं फीटस में, फोरामेन ओवेल और डक्टस आर्टेरियोसस, और एक शंट जिसको डक्टस विनोसस कहते हैं वो लिवर को बाईपास करता है, और जो है वो सीधे राइट से लेफ्ट हार्ट में ब्लड पहुंच जाता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में। तो इसी तरह से फीटल सर्कुलेशन चलता है और फिर वहाँ से फिर दो अम्बिलिकल आर्टरीज में आता है और यहाँ पे फिर ब्रांच होके और एक अम्बिलिकल वेन बन जाती है। तो ये फीटल सर्कुलेशन पूरा आपको हमने समझा दिया। टेस्ट्स ऑफ प्लेसेंटल फंक्शन टू सी इफ देर वॉज एनी प्लेसेंटल इंसफिशियंसी और देर इज एनी प्लेसेंटल इंसफिशियंसी। बेस्ट मेथड अल्ट्रासाउंड, सी द प्लेसेंटल साइज, सी द साइज ऑफ द फीटस, देर शुड नॉट बी एनी IUGR, एंड देन you have color doppler studies. So umbilical artery doppler, uterine artery doppler, all these studies will show you if the placenta is working properly. There are certain biochemical tests also, but they are less significant. HCG and all are done.